हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। फ्रेंड, यहां पे हम आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि करेंट स्टेटस ब्लैंक हो चुका है, यानी कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका करेंट स्टेटस ब्लैंक हो चुका है और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी जो करेंट स्टेटस में बदलाव देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसका जो है बहुत जिनका भी ब्लैंक शो हो रहा है उनका निवारण क्या है और करेंट स्टेटस चेंज होने का कारण क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग भी नए होंगे या फिर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल होम पेज पे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम आ गए हैं यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल होम पेज पे आ गए हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। चाहे आप फ्रेश कैटेगरी के होंगे, चाहे आप रिन्यूअल कैटेगरी के होंगे, तो सबसे पहले आप अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के लिए यूपी स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल होम पेज है यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे बाएं साइड एक कॉर्नर दिख रहा होगा, कॉर्नर में आपको फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। अगर आप लोग फ्रेश कैटेगरी के होंगे तो यहाँ पे फ्रेश लॉगिन कर लीजिएगा, अगर रिन्यूअल के होंगे तो आप लोग रिन्यूअल कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आप जिस भी कैटेगरी के छात्र होंगे वहां पे पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका डीओबी रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको अपने सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एक होम पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो बेसिक डिटेल है यानी कि स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे आपका शो होने लगेगा और यहाँ पे नीचे जो भी आप लोगों ने फिलअप किया होगा, जो कॉलेज वाले ने फॉरवर्ड किया होगा, ये शो होने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग के बाएं साइड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक करेंट स्टेटस। जब आप लोग यहाँ पे चेक करेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड ऐसा एक होम पेज करेंट स्टेटस में, देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एक ऐसा देखिए यहाँ पे एक ऐसा एरर शो होके आ रहा है और यहाँ पे पूरा का पूरा जो है यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपका वर्ग या फिर जाति समूह है, छात्र छात्रा का नाम, जन्मतिथि, फादर नेम, पाठ्यक्रम का वर्ष, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, मतलब सब कुछ यहाँ पे ब्लैंक शो हो गया, यानी कुछ भी यहाँ पे शो नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए मैं कुछ एडिट नहीं किया हूँ, यहाँ पे आप लोग के सामने मैं यहाँ पे प्रूफ दिखा दे रहा हूँ और आप लोग ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डेट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2/23/23, ठीक है ना, इसका मतलब देखिए 23 तारीख दूसरा महीना 2023, ठीक है ना, ये उल्टा हो गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये 5:52 PM पे शो हो रहा है। और आप लोग चाहे तो करेंट स्टेटस में शो देख सकते हैं आप लोग अपना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी फेक नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ भी एडिट या फिर करेक्शन नहीं किया हुआ है और यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे ऊपर ऐसे कुछ करके शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ सिस्टम डाटा, क्लाइंट एक्सटेंशन, एंड वैलेज, मतलब ये कुछ ऐसे करके शो हो रहा है, ये पता नहीं क्या है, आपको हम बता दे रहे हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने ये रिन्यूअल लॉगिन किया है। ठीक है ना, तो जहां तक हमको पता है मैंने फ्रेश लॉगिन भी करके देखा है, तो मतलब यहाँ पे अगर आप लोग फ्रेश कैटेगरी के छात्र होंगे प्लस रिन्यूअल वाले छात्र, यहाँ पे सभी में ब्लैंक शो हो रहा है। ओके, अब इसका रीजन क्या है, ये ब्लैंक शो क्यों हो रहा है? ठीक है ना, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जब यूपी स्कॉलरशिप की जो साइट है, जब यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट होती है तो यहाँ पे ये सब ब्लैंक हो जाता है, या तो जो है साइट ओपन ही नहीं होती है, करेंट स्टेटस ओपन ही नहीं होता है। जैसे कि बीते कुछ समय के पहले आप लोग को पता होगा, तो फ्रेंड जब करेक्शन डेट खत्म हुआ था तो कुछ समय पहले बहुत सारे छात्रों में यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा था। ठीक है ना, ब्लैंक शो हो रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि सर्वर बंद हो गया, मतलब साइट बंद कर दिया गया और जो करेंट स्टेटस है, होम पेज है, ये ओपन ही नहीं हो रहा था, लॉगिन ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये कुछ दिन के बाद बहुत सारे बच्चों सत्यापित नहीं, मतलब शुरू होना, मतलब जिन भी बच्चों में ब्लॉक दिखाई दे रहा था उनके में सत्यापित नहीं कर दिया गया है। ठीक है ना, ये पहले की बात थी जब स्टार्टिंग में जो सर्वर जो साइट है ओपन नहीं हो रही थी और फॉर्म जो है लॉगिन नहीं हो रहा था। ओके, अब ये ब्लैंक दिखाने का मेन रीजन क्या है? देखिए मेन रीजन ये है कि जो स्कॉलरशिप की और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है। ठीक है ना, कुछ न कुछ अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि जो करेंट स्टेटस है बहुत सारे बच्चों में 2-3 महीने से पेंडिंग है। मे बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी यही है कि अब करेंट स्टेटस भी चेंज होना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है जिसका पेंडिंग था उसका वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाए, जिसके फॉर्म कुछ रॉन्ग है या फिर गलतियां थी उनका मतलब यहाँ पे रिजेक्ट भी होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यही है
है, मतलब यहाँ पे 70% का चांस यही है कि जो स्टेटस है ये चेंज होना तय है। 70% की पॉसिबिलिटी है कि बच्चों का जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है ये चेंज हो सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि 17 फरवरी से जो स्टेटस है वो चेंज करना था, फॉर्म को वेरीफाई करना था, लेकिन आज फ्रेंड 23 तारीख हो गए, 23 फरवरी हो गए, और किसी भी छात्र का ना तो फॉर्म वेरीफाई हुआ था, ना तो मतलब वैसे के वैसे था, जिसका पेंडिंग है पेंडिंग था, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड लिखाई दे रहा था उसका वैसे था, मतलब करेंट स्टेटस जो है वो चेंज नहीं हुए थे। आज 23 तारीख हो गया है और ये जो करेंट स्टेटस है यहाँ पे ब्लैंक दिखाई दे रहा है, तो मे बी पॉसिबिलिटी यही है कि आपके जो करेंट स्टेटस है यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, ओके। और जिनका स्कॉलरशिप आ गया है तो यहाँ पे आपकी जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट और अमाउंट राशि आपका शो होना स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये 100% तय है कि जो यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अपडेट हो रहा है, ये 100% तय है, ठीक है ना। अब ये क्या अपडेट हो रहा है अभी ये पूरा कंफर्मेशन नहीं है, जब ये कंफर्मेशन मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे जानकारी दे दी जाएगी, ओके। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो स्टेटस है, यहाँ पे स्टेटस देखिए जो 2022-23 का है यहाँ पे भी अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पे पुराना वाला 2021-22 का ही शो हो रहा है, तो मे बी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यहाँ पे जो स्टेटस है यहाँ पे डायरेक्ट लिंक जारी कर दिया जाए 2022-23 का, और यहाँ से आप लोग डायरेक्ट अपना करेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी यहाँ की भी होने की संभावना है। तो फ्रेंड ये थी, आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जिसका वेरीफाइड हो चुका है या फिर जिसका वेरीफाइड नहीं है कुछ भी करेंट स्टेटस शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिए कि मेरा क्यों नहीं खुल रहा है, मेरा रिजेक्ट ना हो जाए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये जो साइट है ये अपडेट हो रही है, और क्या अपडेट हो रही है अभी ये कंफर्म नहीं है, जब अपडेट हो जाएगा जब फ्रेश खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी, कुछ भी डाउट हो कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।